हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हूँ हिना का रिव्यू। और आज मैंने एक नई हिना ट्राई की है, तो कैसा इसका रिजल्ट रहा है, क्या क्या इसके फायदे हैं, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो इस वक्त आप मेरे हाथ में ये मेहंदी देख सकते हो, ये है श्री बालाजी मेहंदी। सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की गई हैं, हिंदी में मेंशन की गई हैं, तो आपको रीड करने में भी आसानी होगी, क्योंकि गांव में काफी बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है, तो उनके लिए काफी इजी है इसे अच्छे से पढ़ना, इसे अच्छे से समझना। ये चीज मुझे अच्छी लगी है इसकी काफी। बालों के श्रृंगार के लिए स्पेशल मेहंदी है, 100% शुद्ध कपड़छान मेहंदी है। कपड़छान का मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि कपड़छान मतलब इसे अच्छे से छान कर तैयार किया गया है, कोई भी डर्ट और इम्प्योरिटीज नहीं है इसमें। प्रयोग विधि दी गई है, यानी कि आपने इसे कैसे इस्तेमाल करना है मैं बता देती हूँ आपको एक बार रीड कर। मेहंदी हमेशा स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में कम से कम 2-3 घंटे पहले भिगोएं। मेहंदी लगाने से पहले बालों में तेल नहीं लगा होना चाहिए। मेहंदी लगाने के बाद बाल धोते समय साबुन या शैम्पू का प्रयोग ना करें। बाल धोने के बाद तेल का प्रयोग अवश्य करें। तो ये सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की गई हैं। नो ड्यू, नो केमिकल। बालों को हमेशा काला रखती है। मेहंदी के फायदे भी यहां पर दिए गए हैं। बालों की चमक व लंबाई बढ़ाती है। बालों में सिकरी यानी कि डैंड्रफ को खत्म करती है। और इसमें आपको क्वांटिटी मिल जाएगी 200 ग्राम की। तो ये सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की गई हैं गाइस। ये देखिए पीछे से ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट पैकेट में ही आती है मेहंदी। और मैं आपको एक चीज बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम ही परचेज किया है, यानी कि श्री बालाजी की मेहंदी जो है मैं फर्स्ट टाइम परचेज कर लाई हूं। इससे पहले मैंने बहुत सारे मेहंदी के ट्यूटोरियल्स अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं, मतलब मेहंदी किस तरीके से लगानी चाहिए, मेहंदी के फायदे, ये सभी चीजें मैंने ऑलरेडी मेंशन की हुई है गाइस। तो आप एक बार प्लीज मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को भी चेक जरूर कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस मेहंदी को 2-3 घंटे के लिए भिगो कर रख दूंगी। तो अभी सुबह के 8 बज रही हैं और मैं इसे 11 बजे या 12 बजे के आसपास अप्लाई करूंगी अपने बालों में, और आपको अप्लाई कर भी दिखाऊंगी और देख लेते हैं इसका कैसा कलर आता है। मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ही यूज कर रही हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे घोल कर रख देती हूं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं इसे नॉर्मल पानी में ही घोल कर रखूंगी, यानी कि सादे ठंडे पानी में ही घोल कर रखूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ बालों को कंडीशन करना है। और सिकरी वगैरह अभी इस मौसम में आप जानते हैं कि होती नहीं है, तो बालों की चमक भी बढ़ाती है, तो इसलिए मैंने बालों की चमक बढ़ाने के लिए ही करना है, क्योंकि समर्स में आप जानते ही हैं कि बालों की चमक अक्सर खत्म हो जाती है या उड़ जाती है। तो चलिए फिर मैं इसे भिगोकर रख देती हूँ और फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैं इस पूरे पाउच को ही घोल कर अच्छे से तैयार कर लूंगी, क्योंकि इतना पाउच मेरे बालों में काफी होगा। ये देखिए, तो यही मैं लगाने वाली हूँ और ये पूरा पाउच ही मैं घोल कर रखूंगी। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम कर रही हूँ और इसके बाद मैं अपने बालों में मेहंदी को अप्लाई करूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे मेहंदी को घोल कर रखे हुए 3 घंटे हो चुके हैं और अब मैं अपने बालों में हिना अप्लाई कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम कर चुकी हूँ दोस्तों, और अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ हिना। और आप भी जब हिना को अप्लाई करें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हिना को आप चाहें तो वैसे रात भर भी घोल बनाकर इसका रख सकते हैं, हिना को तैयार कर और नेक्स्ट डे आप अप्लाई कर लीजिए, उससे भी काफ़ी आसानी होगी आपको लगाने में। और जैसा कि इस मेहंदी के ऊपर भी मेंशन किया हुआ है कि आप हिना को हमेशा प्लास्टिक के बर्तन में या फिर स्टील के बर्तन में ही घोल कर रखें, तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप अपने बालों में जब भी हिना को अप्लाई करें तो आपके बालों में कोई भी ऑयल वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। अगर आप बालों में अच्छे से चमक लाना चाहते हैं, बालों को कंडीशन करना चाहते हैं मेहंदी की हेल्प से, तो तब भी आपके बालों में ऑयल वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा होना चाहिए, तो उससे बालों में अच्छी चमक आती है। और हिना की जो भी गुडनेस होती है वो आपके बालों को अच्छे से मिलती है तभी जब आपके बालों में कुछ भी ना लगा हो। और हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने हिना के काफ़ी सारे वीडियोस अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने वीडियो की प्लेलिस्ट दी हुई है, तो वहाँ पर भी जाके आप क्लिक कर देख सकते हैं, उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए वीडियोस। और बहुत जल्द गाइस, मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। और हाँ, यहाँ पर मैं अपने एक सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहूँगी, मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है खुशबू पटेल। और आपने देखा होगा शायद जब मैं पहले लाइव आती थी तब भी वो हमेशा आती थी मेरे लाइव में, और अभी भी हमेशा हर वीडियोज़ देखती हूँ मेरी। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं हेयर डंक करूँ, हेयर वॉश करूँ, और मतलब हेयर वॉश एंड डंक वीडियो बनाऊँ, और जिसमें कि मैंने साड़ी पहनी हो, साड़ी पहनकर मैं ये वीडियो शूट करूँ। सो खुशबू, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ, सॉरी फ्रेंड, कि मेरे फैमिली में मतलब
कोई भी अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं साड़ी पहनकर हेयर वॉश एंड डंग करूँ, तो आप समझ सकते हैं, होप यू अंडरस्टैंड। और मैं भी कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ कि मैं साड़ी में हेयर वॉश एंड डंग करूँ, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है। साड़ी में तो मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत जल्द शेयर करूँगी। प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। सो यहाँ पर देखिए बातों बातों में मैंने अच्छे से हिना को अप्लाई कर लिया है। थोड़े थोड़े पार्ट लेने हैं अपने बालों का, थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेना है और फिर आपने हिना को अप्लाई करना है। और हाँ फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर कि जब भी आप हिना को अप्लाई करें तो आप ये मत सोचिएगा कि आपने सेम मेरे वाले तरीके से ही करना है। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे या जो भी आपको इजी लगता हो तरीका, तो उस तरीके से भी आप हिना को अप्लाई कर सकते हो। सबका अलग अलग तरीका होता है, सबका अलग अलग मेथड होता है, तो जैसे मुझे कंफर्टेबल लगता है, जैसे सही लगता है, तो मैं वैसे ही अप्लाई करती हूँ। और आज तो मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि आज मैं हिना में नहा ली हूँ पूरी, क्योंकि मेरी टी शर्ट भी पूरी गंदी हो चुकी है मेहंदी में, आप देख सकते हो। और आप देख रहे होंगे कि मेरी बाजू पर, मेरे फोरहेड पर बहुत ज़्यादा हिना लग चुकी है। और ये देखिए मैंने क्या कारनामा किया है, ये देखिए, इससे पहले कभी मेरे फेस पर इस तरीके से तो हिना नहीं लगी है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं हिना में नहा चुकी हूँ पूरी, वाकई लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं हिना को मतलब थोड़ी देर लगा कर रखती हूँ और उसके बाद बालों को वॉश कर लूँगी और फिर मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊँगी कि कैसा काम किया इस मेहंदी ने। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने भी इस मेहंदी को फर्स्ट टाइम ही अप्लाई किया है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। वैसे इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है और आगे भी आप देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ और फिर आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हिना को अच्छे से अप्लाई कर लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। और अब मैं इस मेहंदी को 1.5 से 2 घंटे लगा कर रखूंगी और जब ये सूख जाएगी तो उसके बाद मैं अपने बालों को वॉश कर लूंगी और मैं शैम्पू भी आज ही करूंगी अपने बालों में। और जैसे कि मैंने इसे पहले भी आपको बताया फ्रेंड्स, मुझे कलर वगैरह ज्यादा नहीं चाहिए अपने बालों में। अभी मैं इसे 1.5 से 2 घंटे तक लगाकर रखूंगी और उसके बाद अपने बालों को वॉश कर लूंगी और उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि इस हिना का रिजल्ट कैसा रहा है मेरे बालों पर। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे थोड़ी देर में मिल लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बालों में चमक इसने बहुत अच्छी दी है, ये आप देख रहे हो, ये देखिए। इससे पहले मेरे बाल बिल्कुल बेजान हो गए थे और मैंने काफी टाइम से हिना को अप्लाई भी नहीं किया था, लेकिन आज मैंने इससे हिना को अप्लाई किया तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है, अमेजिंग रिजल्ट मिला है इस हिना का, जैसा कि आप देख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपके लिए मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी और अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगे तो प्लीज फ्रेंड मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।